हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में। जी हां दोस्तों, और ये अपडेट है हमारी पवई के सेंटर से। जी हां दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र में जो मुंबई है वहां के जो है अरुण आईटी पार्क जो है एग्ज़ाम सेंटर था आपका एसबीआई क्लर्क का, तो वहां के बच्चों से हमने जो है रूबरू किया और उनसे बातें की और उनसे जानने की कोशिश की कैसा रहा आज का पेपर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कितने बच्चे जो है प्रेजेंट रहे आज के एग्ज़ाम में। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इम्पैक्ट पड़ता है एग्ज़ाम में कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि कितने प्रतिशत जो है बच्चे एग्ज़ाम में आ रहे हैं और उसका जो है असर कितना पड़ेगा कट ऑफ पे। तो आइए टॉपिक पे बात करते हैं। उससे पहले, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलता है सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, पेपर पैटर्न, एग्ज़ाम में आपको कैसे जो है तैयारी करनी है, पूरा प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, हम आपको जो है स्मार्ट नौकरी चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं और यहाँ पर आपको मिलते हैं वेल एजुकेटेड टीचर्स एंड प्रोफेसर्स जो आपको गाइड करते हैं प्रॉपर। और हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके रिलेटेड इश्यूज होंगे एग्जाम से वो हम आपको शॉर्ट आउट करके दे देते हैं दोस्तों। तो चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि जितने भी बच्चे जिन्होंने एग्जाम में आज बैठे थे उन सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट है और हमने सभी को जो है अपनी शुभकामनाएं दी हैं कि अच्छे से पेपर किए। और काफ़ी बच्चों ने जो बताया कि सर जो है कुछ बच्चे तो थोड़ा नर्वस थे, क्योंकि बात करते ही उनको लगा कि जो फर्स्ट स्ट्रिप से जो बच्चे बाहर आ रहे थे और जो सेकेंड स्ट्रिप के बच्चे वहाँ पर खड़े थे, उन्होंने कहा कि सर हमें बहुत ही जो है नर्वस फील हो रहा है क्योंकि क्या पता एग्जाम में कैसा रहा। तो हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी हाल ही फिलहाल में उन्होंने जो है आरबीआई का एग्जाम दिया था, आरबीआई असिस्टेंट का, तो उनका जो है लेवल का क्वेश्चन का पेपर था वो लगभग ऑलमोस्ट सेम ही था, ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन इंग्लिश के लिए लोग काफ़ी लोगों ने जो है कहा कि सर इंग्लिश का पेपर जो है काफ़ी टफ था। अब बात करते हैं हमारे कितने परसेंट बच्चे, जी हाँ दोस्तों, कितने परसेंट बच्चे जो हैं आज प्रेजेंट रहे। इस पे हमने थोड़ा उनसे पूछा बच्चों से कि आपका रो जो है अरुण आईटी पार्क में क्या होता है ना दोस्तों, एक से लेकर 50 स्टूडेंट्स को एक रो में बैठाया जाता है, फिर सेकंड रो में इस तरह बैठाया जाता है सीबीटी के एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ पर मैंने पर्सनली जो है एग्ज़ाम दिया है तो मुझे पूरा अच्छे से उसका आइडिया है। तो हमने उसी हिसाब से पूछा कि आप बता सकते हैं कि कितने बच्चे जो है आपके रो में थे जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका, कितने बच्चे जो है सीट पर नहीं थे वैकेंट के हिसाब से अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, वहाँ के जो बच्चे हैं जो उन्होंने अपने बताया कि सर हमने देखा कि रो में जो है लगभग, जी हाँ दोस्तों, 65 से लेके 70% तक के ही अटेंडेंस दिखाई दी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर देखा जाए तो 30% स्टूडेंट्स जो है एग्जाम में आज बैठे ही नहीं। तो ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये कि कितने बच्चे जो है फिलहाल पेपर के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है कि आपका कट ऑफ तो जाएगा जितना भी, लेकिन फिलहाल कितने बच्चे जो है एग्जाम में बैठ रहे हैं। इससे ये होता है कि एग्जाम का लेवल जो है वो डिसाइड हो चुका है कि ईजी से मॉडरेट के लेवल के बीच में ही आज का पेपर हुआ था। फिलहाल हम आज की बात कर रहे हैं 22 की, तो आज का पेपर एनालिसिस ये था कि जो है हम इसे ईजी में ले सकते हैं सिर्फ इंग्लिश को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि इंग्लिश जो है मॉडरेट लेवल में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो टॉपिक था ये, तो यहाँ पर जो है आपको परसेंटेज जो है वो 65 से 70 के बीच में ही देखा जा रहा था। तो यानी कि टोटल अगर मैं अटेम्प्ट की बात करूं तो 80 नंबर तक का जो है मैक्स टू मैक्स लोगों ने जो है अटेंड किया है, उससे ऊपर ज़्यादा किसी भी बच्चे ने बताया नहीं कि सर हमने इससे ज़्यादा जो है अटेम्प्ट किया है। यानी 80 नंबर का अटेम्प्ट हुआ है आज के पेपर एनालिसिस में और परसेंटेज जो बच्चों की प्रेजेंटिंग थी वो थी 65 से 70% के बीच में। तो ओवरऑल ये होगा कि कट ऑफ पे जो है आज के हिसाब से अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको जो है कट ऑफ काफ़ी औसतन अगर देखा जाए, एवरेज जो एसबीआई एग्ज़ाम में होता है उसके अकॉर्डिंग, तो आज का जो है एवरेज कम ही जाने वाला है, ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है, कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया जाए। लेकिन ओवरऑल अगर परसेंटेज बताए कट ऑफ तो आपको सेक्शन वाइज भी आज का कट ऑफ जो है मिनिमम रहेगा। फिलहाल अभी हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कंटिन्यू, अकॉर्डिंग टू जितने भी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है वो भी मैसेज कर रहे हैं, और जैसे ही हमारे पास पूरा डेटा कलेक्ट हो जाएगा हम आपको एक जो है सटीक कट ऑफ आपको बताने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ जो है जाने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, आप भी हमें चाहे तो अपना व्हाट्सअप नंबर पे जो है आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर लिख लीजिएगा 7977273942, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने अपना नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग कितनी जो है कट ऑफ जा सकती है और आपने कितना अटेम्प्ट किया और आपके कितने जो है चांसेस हैं, आपके कितने मार्क्स आने की संभावना है। इस हिसाब से ये होगा कि हमारे पास ज़्यादा डेटा कलेक्ट होंगे और हम आपको जो है एक सही प्रेडिक्शन दे सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह एक नई अपडेट के साथ। कुछ भी इशू हो दोस्तों तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं एनी टाइम, हम आपका रिप्लाई देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। थैंक यू सो मच।